अगर हम गाइस स्मार्टफोन की बात करें तो यहाँ पे काफी तगड़े तगड़े से स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं अलग अलग कंपनी के साथ में। बट एनीवेज हम बात करते हैं रियलमी फर्स्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है रियलमी GT2 Pro। यहाँ पे हम GT2 Pro की पूरी सच्चाई के बारे में जानेंगे आज गाइस। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं नेशनल टेक चैनल को। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो यार। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस पहले हम बात करते हैं इसकी डिजाइन के बारे में। तो गाइस मेरे ख्याल से पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसकी बैक बायो पॉलीमर से बनी है, मतलब कि भाई साहब इको फ्रेंडली बनाया है यहाँ रियलमी वालों ने। मतलब यहाँ पे कुछ सोयाबीन वगैरह पेपर वगैरह यूज करके उसकी बैक को बनाया है। पे रियलमी वालों ने कम से कम कार्बन यूज करने का तरीका अपनाया है। यहाँ पे बैक दिखने में तो बिल्कुल प्रीमियम लुक दे रही है हमको। इतनी टिक पाए कि ये प्रीमियम लुक वाली बैक, वो तो लॉन्ग टर्म में जाने के बाद ही पता चलेगा गाइस। इस बार का जो रियलमी फोन है वो कुछ अलग ही बनाया है गाइस। मतलब यहाँ पे क्या कुछ चीजें ऐड करके बनाया है गाइस। बाकी स्पीकर, USB-C पोर्ट, पावर लॉक, अनलॉक बटन, वो सब तो होगा ही गाइस, क्योंकि फ्लैगशिप फोन जो है। तो गाइस आगे हम बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले में आपको मिलता है 1000 का टच सैम्पलिंग रेट। मतलब कि भाई साहब क्या कुछ चीजें ऐड की है रियलमी वालों ने। बट डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलती है 6.7 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलती है, जो कि एक 2K LTPO 2.0 पैनल है इसमें, जो कि एक लेटेस्ट डिस्प्ले कहलाता है। अगेन इसमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलने वाली है गाइस आपको। स्मूथनेस यहाँ पे काफी तगड़ी मिलने वाली है गाइस, क्योंकि यहाँ पे 120Hz के साथ ये चलने वाला है, प्लस HDR10+ भी यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में लगा है लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। परफॉर्मेंस के मामले में काफी सही चलने वाला है गाइस ये फोन। पे सुपर साइजर चैम्बर, वेपर चैम्बर आपको मिलता है, इससे आपका मोबाइल बहुत हीट नहीं होगा गाइस। ये रियलमी का बेस्ट फीचर लगा मेरे को, क्योंकि बहुत स्नैपड्रैगन 8 Gen है, 1 है, तो यहाँ पे हीटिंग का प्रॉब्लम तो आएगा ही। तो उसने एक चैम्बर ऐसा लगा दिया जहाँ पे हीट नहीं होगा गाइस, आपका फोन गर्म नहीं होगा। और ये वाला फोन पूरा कलर 3.0, जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है, इसमें चलने वाला है गाइस। और हम आते हैं बैटरी के ऊपर। बैटरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है 5000 mAh की विद 65W चार्जिंग के साथ। मतलब यहाँ पे 0 to 100 आपको 33 मिनट में करके दे देगा ये फोन। खैर ये सब बातें तो होती रहेगी गाइस, पर असली मुद्दा है यहाँ पे कैमरा। मतलब भाई साहब इसका माइक्रो कैमरा है ना, वो पूरा माइक्रोस्कोप लगा के दे दिया है रियलमी वालों ने। तो हम आगे बात करते हैं, चलिए। मतलब इसका माइक्रो जो कैमरा है ना, वो एकदम इतना जूम हो रहा है कि पूरी डिटेल दिख रही है। मतलब यहाँ पे आप चीज़ रखोगे तो आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, इतना जूम हो के पूरी डिटेल में आपको सब कुछ दिखा देगा ये माइक्रो कैमरा इसका। बाकी हम बात करें इसके प्राइमरी कैमरे के, प्राइमरी कैमरा आपको 50 MP का आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है, और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको 50 MP का मिलता है। बट ये ज़्यादा ही अल्ट्रा है मेरे ख्याल से, एंड 3 MP का आपको माइक्रो कैमरा यहाँ पे मिलता है गाइस। लेकिन गाइस जो इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो काफ़ी अल्ट्रा है, यहाँ पे 150 डिग्री तक इसे आप देख सकते हो। मतलब यहाँ पे इतना एरिया कवर कर लेगा गाइस। इसमें आप काफी नए नए फीचर देखने को मिल रहे हैं गाइस कैमरे में। तो एक स्पेशल फोन होगा, कब पता इंडिया में कब लॉन्च होए और किस प्राइस में लॉन्च हो। तो ये थी पूरी कहानी रियलमी GT2 Pro के बारे में। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।